सिवान में दीपावली के मौके पर आराध्या चित्रकला संस्थान के कलाकारों ने रंगोली बनाया, साथ ही साथ प्राकृतिक में उपलब्ध आम के पत्ते, गेंदे के फूल और मूंज की रस्सी से तोरण गेट बनाकर पारंपरिक विधि द्वारा सजाया गया। इसकी खास बात यह रही कि इसमें मुस्लिम कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। संस्थान के डायरेक्टर रजनीश कुमार का कहना है कि यह कला पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, ऐसे में खास त्योहारों पर इन कलाओं से जनमानस में करुणा की भावना उत्पन्न की जा सकती है, त्योहारों को और मनोरम बनाया जा सकता है। सभी इस विधा को अपनाए और अपने आसपास के स्थानों को सजाए। इस कार्यक्रम में कलाकार ज्योति, शालू, नरगिस, जैनब, कृतिका, सोनाली, मनीषा, अन्वेषा, हीरामती, राज, गौरव, प्रिंस मौजूद रहे। इस आयोजन के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।